चैनल 94 पर एक बार फिर शोराए कराम के साथ और मनकबर खान हजरात के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। अय्याम अदा का सिलसिला जारी है और आज 14 मुहर्रम है और जगह जगह यकम से बल्कि हमने चांद रात को प्रोग्राम किया था, ये सिलसिला जारी है और ये तो जारी रहेगा क़यामत तक, क्योंकि हक का फैसला है, दुआए मशहूर है। और इसलिए हदीस रसूल ये है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात, हुसैन को हदायत के चराग हैं और निजात की कश्ती है। और हदायत चाहते हो तो दरे हुसैन पर आ जाओ, निजात चाहते हो तो दरे हुसैन पर आ जाओ। बस चार मिसों से आगाज़ करते हैं कि इल्म का नूरे ऐन कहते हैं, चाहे भाई आपसे दाद लेनी है, दुआ लेनी है, इल्म का नूरे ऐन कहते हैं, सब्र की जेब और जैन कहते हैं। हर उजाला ये दे रहा है सदा रोशनी को हुसैन, हर उजाला ये दे रहा है सदा रोशनी को हुसैन कहते हैं। ये मरहूम बहुत बड़े शायर सरदार नकवी अमरोही के चार मिसरों से आगाज किया है, इसीलिए हदीस की यही है कि हदायत के चराग भी हैं, निजात की कश्ती भी हैं। मेरे दरमियान बड़े ही मारूफ और मकबूल और मसरूफ़ शोरा कराम तशरीफ़ फरमा हैं और इनकी अदा और मिला के खिदमत सर अंजाम देते हैं और मिद्दत के चराग रोशन करते हैं। बड़ी मसरूफ़ और मकबूल आवाज़ें हैं, मौला इनकी दर हुसैन की गदाई को में बादशाही अता फरमाए। मेरे साथ बहुत ही सीनियर शायर जनाब कायम नकवी साहब तशरीफ़ फरमा है और मेरे दाएं जाने भी बहुत सीनियर जनाब आगा शाकिर अली गज़लवार साहब तशरीफ़ फरमा है, उनके साथ वसीम जिलानी साहब हमारे लाहौर की मारूफ शख्सियत किस तारुफ़ के मोहताज नहीं, उनके साथ इजाज़ रिश्वी साहब ये भी माशाल्लाह खूबसूरत अशार कहते भी हैं और खूबसूरत अशार पढ़ते भी हैं, उनके साथ मोहम्मद अली जाफ़ी साहब सोस खान जहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। और मेरे बिल्कुल दाएं जाने एक बहुत बड़े फर्जंद थे बेटे जनाब जमील तुराही साहब असद तुराही साहब के फर्जंद और उनके फर्जंद तशरीफ़ फरमा हैं। और एक खूबसूरत आवाज़, एक खूबसूरत शायर का इजाफा हमारे साथ, लाहौर में लोग इन्हें जानते ही हैं, एहसान अली हैदर साहब वो भी तशरीफ़ फरमा है और जनाब सैयद महबूब बाकर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास तरीका था यह है कि पहले हमने सोलो सलाम के लिए हमारे पास अली असगरी साहब हैं, जमील भाई सोस खान भी हैं, मरसिया खान भी हैं, शायर भी हैं। इंशाल्लाह अपनी महफिल के अख्ताम पर मरसिया खानी करेंगे, उससे पहले अपने जो कलाम है वो भी पेश करेंगे। तो हम आगाज़ करते हैं जरा अली असगरी से कि वो बारगाह इमामत में नजर आने आती है, पेश फरमाएं बुलंद तर सलावत। आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया, था जिसका इंतजार वो साथ करीब है, दिन ढल रहा है वक्त मुसीबत करीब है, कुछ देर की है बात कयामत करीब है, जैनब गरीब भाई की रुखसत करीब है। ये कह के मांगा माँ का जो कुर्ता सिला हुआ, कोहराम मच गया, कोहराम मच गया, कुछ दूर हट के खैमों में बोले शहे जमन, जहमत ना हो तो बाजू बढ़ाओ जरा बहन, मैं बोस लूं वहां के बंधेगी जहां रखन, बाजू बढ़ा के रोती थी हम शीर खस्ता तन,
भाई बहन के बाजुओं को चूमने लगा, कोहराम मच गया। ये सुन के बिनते फातिमा जहरा तड़प गई, बोली गला बढ़ाओ बस अब जल्द याखीर। अम्मा की बात आज मुझे याद आ गई, मैं बोस लूं वहां के चलेगी जहां छुरी। जैनब ने बढ़ के चूमा बरादर का जब गला, कोहराम मच गया। बेटी से फिर ये कहने लगा फातिमा का लाल, रहना पुपी के पास रखेगी तेरा ख्याल। गुर्बत है तुम पुपी से ना करना कोई सवाल, वरना तेरे पिदर को बहुत होएगा मलाल। फिर सर पे हाथ रख के जो देने लगे दुआ, कोहराम मच गया। बेटी को जब सुपुर्द बहन कर चुके इमाम, रोकर बहन से कहने लगे आसमां मकाम। जाना वतन जो कैद से छुट कर ऐतिश नाकाम, कहना लहज पे माँ की मेरा आखिरी सलाम। आया जो लपे फातिमा जहरा का तस्किरा, कोहराम मच गया। भाई को तन्हा देख के जैनब तड़प गई, रोते हुए हुसैन के नजदीक आ गई और फिर रकाब थाम के बोले शहदीन, लो मैं सवार करती हूँ अब्बास गर नहीं। वाइज हुआ सवार जो जहरा का लाडला, कोहराम मच गया। खैमे में आके शाह ने जब अलविदा कहा, कोहराम मच गया। चलो पढ़ेगा। कोहराम मच गया, खैमे में आके शाह ने अलविदा कहा, कोहराम मच गया और मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी। जा भाई, मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी, कहा हुसैन तो आंखों में भर गया। मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी, कहा हुसैन तो आंखों में भर गया पानी। वो तूलो अर्ज में सैलाब बन के फिरता है, किसी की शाह में इतना बिखर गया था। अली के लाल से नजरे नहीं मिला पाया, नजर चुरा के वहां से गुजर गया पानी। मेरे खुलूस को हैरान कर गया पानी, कहा हुसैन तो आंखों में भर गया पानी। मुल्तमी सुन जनाब वसीम अब्बास गिलानी साहब से बुलंदर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जन्नत का तेरी वजह से हकदार बन गया, जन्नत का तेरी वजह से हकदार बन गया, अब्बास तेरा शुक्र मैं जब्बार बन गया।
खाके शिफा को बूंदा था आबे फुरात से, खाके शिफा को बूंदा था आबे फुरात से, जहरा ने कुन कहा तो आजादार बन गया। और बेटे को ले गया था मैं अब्बास के हुजूर, बेटे को ले गया था मैं अब्बास के हुजूर, जेरे अलम झुकाया वफादार बन गया, जेरे अलम झुकाया वफादार बन गया। और देखा जो मैंने मात में जंजीर बाखुदा, देखा जो मैंने मात में जंजीर बाखुदा, ऐसा लगा के हर कोई मुख्तार बन गया। और मैंने कहा बतूल का दुश्मन है लानती, मैंने कहा बतूल का दुश्मन है लानती, मैंने कहा ही क्या जो तकरार बन गया, मैंने कहा ही क्या जो तकरार बन गया। और नाजिल हुआ था अर्श से मौला का जुलजना, नाजिल हुआ था अर्श से मौला का जुलजना, चादर में रिस्क खाया रहवार बन गया। और झूला अलम ये ताजिया जैनब का कारवां, झूला अलम ये ताजिया जैनब का कारवां, महदी उसी लश्कर का सालार बन गया, महदी उसी लश्कर का सालार बन गया। और आया था हुर यजीद के लश्कर में बाखुदा, आया था हुर यजीद के लश्कर में बाखुदा, शब्बीर का मैदान में तरफदार बन गया। और जो छोड़ दे अली को वो शिया नहीं रहा, शेर सुनिएगा, जो छोड़ दे अली को वो शिया नहीं रहा, वो शख्स मुकसर है गद्दार बन गया, वो शख्स मुकसर है गद्दार बन गया। और शेर देखिएगा, फिजा तुझे रसूल ने बेटी जो कह दिया, फिजा तुझे रसूल ने बेटी जो कह दिया, कुरान से बढ़कर तेरा किरदार बन गया। और मकतब पेश कर रहा हूँ, नमाज है कबूल विलाए अली के साथ, नमाज है कबूल विलाए अली के साथ, वरना निशान माथा फटकार बन गया। दुरूद पढ़िए बाबा से बुलंद तक सलावत। जिलानी साहब, नमाज है कबूल विलाए अली के साथ, आप मजलिस में आते हैं, जिक्र सुनते हैं, अली भाई ये इश्क हुसैन है, मातम करते हैं, ये इश्क हुसैन है, आप मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ये मकसद हुसैन है। वाह वाह। और मैं ये कहूँ कि नमाज इश्क, खुर्रम खलीक साहब का नमाज इश्क अदा कर रहे हैं लोग, नमाज इश्क अदा कर रहे हैं लोग, इस बार की नमाज अदा कर रहे हैं, और जन्नत के वारिसों से अदावत के बावजूद जन्नत में दाखिले की दुआ कर रहे हैं। पहले उनको तो राजी करो जो मालिक जन्नत है, सरदार जन्नत है, उनसे तुमने बहुत रखा हुआ है, जन्नत के लिए दुआ कर रहे हो, कहाँ से मिलेगी जन्नत, लिहाजा इनसे मोहब्बत ही जन्नत आपको मिलेगी। जज़ाकअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत वसीम अब्बास गिलानी साहब, मैं अब मुंतमिस हूँ हमारे लाहौर की, हमारे पाकिस्तान की जानी पहचानी और मारूफ और मकबूल और मसरूफ शख्सियत जनाब जमील तुरावी साहब, तो तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमामत में नजराने अकीदत पेश करेंगे। और इनकी एक और वजह शोहरत कह लें या शर्फ है इनके पास, कि 6 मुहर्रम को जो लाहौर में असलम पार्टी, शहजादा पार्टी जो नोहा पट्टी है, जिसके लिए पूरा लाहौर वहाँ पर सुनने के लिए जाता है, उसके लिखने का एहसास भी जनाब जमील तुरावी साहब के पास, इससे पहले इनके वाली साहब लिखते थे और बहुत बड़े बड़े जो कलाम उन्होंने लिखे, मुझे तो इस वक्त याद है आज में आम है कयामत बन के दिन, ये भी असर तुरावी साहब का है, और जहरे दगा मिलाया, लेकिन उसके बाद 2003 से आप अपने वालिद साहब की तरबियत में भी रहे थे, उनके साये में भी, और यकीनन बहुत कुछ सीखा है आपने, इसमें कोई शक नहीं। और एक दफ़ा जो कलाम आया वो भी बहुत ज़बरदस्त, जमील भाई का, जमील तुरानी साहब का,
के छिन गई चादर कटा सर भाई का शमशीर से, छिन गई चादर कटा सर भाई का शमशीर से, जू जुदा होती है जैनब लाशाए शब। मैं मुतमिस हूँ जनाब जबरी चुरावी साहब से बुलंद तक सलावात। बहुत बड़े गौरव बैठे हैं मेरे सारे साथ हैं, तो ये शर्फ वाले मोहम्मद इंसान का इतना, इंसान की इतनी औकात नहीं होती जितना वो उठा देते हैं, तो ये मौला का ये उन्हीं का एहसान उन्हीं का शर्फ है। आज हम लोग वो मेरे वालिद का ही एक शहर है कि ज़रे नसीब असर शायर हुसैन है, तमाम इज्जत व शोहरत तेरी हुसैन सुकून दिल को तबीयत को चैन देता है, अली और फातिमा का नूरे ऐन देता है, सुकून दिल को तबीयत को चैन देता है। ये बात पूछ लो फतरत से और राहिब से, जिसे खुदा नहीं देता हुसैन देता। ताहिर भाई के घर ही आज ये महफिल मुसालमा है, तो एक चार मिसरे के ताहिर से बुग्ज रखता है उल्फत पलीद से, उल्फत पलीद से इनकार और रसूल के कौले सईद से, जिक्र हुसैन इसलिए तुझको है नागवार, रिश्ता है तेरे जिस्म का खूने यजीद से। जिक्र हुसैन और मौला इसके मुआवजे फरमाएं, आपके सवालों की नजर मौला का वो कर रहा हूँ। रिस्क मुझको वो तलब से भी सिवा देता है, रिस्क मुझको वो तलब से भी सिवा देता है, वो ही पत्थर में जो की पत्थर में जो कीड़े को गिज़ा देता है, हुक्म है शुक्र अदा कर तेरा हो नेमत का, शुक्र नेमत से वो नेमत को शुक्र नेमत से वो नेमत को बढ़ा दे, मगर बहुत शुक्रिया। और जिसकी बख्शिश से मंजूर हो उसके दिल में, जिसकी बख्शिश से मंजूर हो उसके दिल में, उल्फत आले मोहम्मद को बसा दे। आले मत को बसा दे, ये हम बला कैसे बिठाए उसे अपने दिल में, हम बला कैसे बिठाए उसे अपने दिल में,
बज्म से अपनी नबी जिसको नबी जिसको उठा दे और क्यों ना उस पर हो नुसैरी को खुदा का धोखा एक ठोकर से क्यों ना उस पर हो नुसैरी को खुदा का धोखा एक ठोकर से जो मुर्दे को जिलाने मोहम्मद वाले मोहम्मद जिक्र है दे वो वसीला है के जो मोमिन को मारिफत देता है खालिक से और पाया शबीर से जब इसने विगाखुर ने कहा मेरा मौला तो नसीबे को जगह देता है और कहती थी ज़ैनबो कुलसुम से ये उम्र बार कहती थी ज़ैनबो कुलसुम से ये उम्र बार अली असगर मुझे मक्तल से सलामे कहती थी ज़ैनब कुलसुम से ये उम्र मक्तल से सला देता है और आंख लग जाती है थक कर जो कहीं आबिद की काजियाने से उसे शिम्र जगा दे से उसे शिम्र जगा देता है मतलब हक से गम मांगा है बस आले मोहम्मद का जमी हक से गम मांगा है बस आले मोहम्मद का जमील ये वो गम है के
जो हर गम को भुला दे ये मोगम गए जो हर गम को भुला दे ता रिस्क मुझको वो तलब से सिवा देता है वो ही पत्थर में जो कीड़े को रिजा देता है। इस तरह से उसे दुआ करें कि जो आले मोहम्मद का सबका मौला जो बीमार है बीमार करबला का सदका बीमार मदीना का सदका जिन महाकाम में नहीं आ सके उनको मौला शिफाई कामिला अता फरमाए। खुसूसन मेरी बेटी के लिए दुआ करें कि आले मोहम्मद बीमार मदीना का सदका बीमार करबला का सदका उसको शिफाई कामिला अता फरमाए। बहुत से मैसेज आ रहे हैं इल्तिमास से दुआ के लिए क्योंकि आज शबे जुमा भी शबे दुआ भी है शबे मिलता भी है शबे मगफरत भी है और शबे अज़ाब भी है। मैं तो ये दुआ कर रहा हूँ जिन जिन मोमिनीन ने फेसबुक पर अहले रिसालत पर इल्तिमास दुआ के लिए कहा परवरदिगार सब की दुआओं को कबूल करे। कोई बीमार है मेरे मौला उसको सेहत अता फरमाए। कोई परेशान हाल है मौला उसकी परेशानी का दूर फरमाए। कोई तंदरुस्त है मेरे मौला उसकी तंदरुस्ती को परवरदिगार हमें सिवाय गमे हुसैन के कोई और हमारे वली असर इमाम ज़माना का बहुत ही खूबसूरत और मुजस्सा कलाम बारगाह इमामत में पेश कर रहे थे। अली अकबर मुझे मक्तल से सदा दी मुझे यहाँ पर जो भाई वो कैसर मुस्तफ़ा साहब क्या सलाम के चंद अशार याद आए कि अली अकबर को देखें तो पैगंबर याद आता है क्या अली अकबर को देखें तो पैगंबर याद आता है बड़ी कासिम पे जब नजरें तो शब्बर याद आता है। बनी हाशिम के सब अफराद कितने खूबसूरत हैं सखी अब्बास को देखें तो हैदर याद बनी हाशिम के सब अफराद कितने खूबसूरत सखी अब्बास को देखें तो हैदर याद आता है नहीं जो मानते मुश्किल कुशा दुनिया में हैदर को नहीं जो मानते दुनिया में मुश्किल कुशा नहीं जो मानते दुनिया में मुश्किल कुशा हैदर को मुसीबत में उन्हें जहरा का शौहर याद और अली अकबर सदा इस सोच में खामोश रहते हैं अली अकबर सदा इस सोच में खामोश रहते हैं बिछड़ना फातिमा सुबरा का अक्सर याद आता बिछड़ना फातिमा सुबरा का अक्सर याद आता। मैं मुतमिस हूँ हमारे आज पहली बार तशरीफ लाए हैं अभी रिसालत पर और 24 पर हमारे एक खूबसूरत इजाफा शायरों में शोरा में जनाब एहसान अली हैदर साहब से मुतमिस हूँ खूबसूरत अंदाज मौला इन्हें सलामत रखिए इसी तरह पढ़ते रहें 94 पर भी और अली रिसालत पर भी जो लोग देख रहे हैं हम उनसे भी कहेंगे कि हमारे तमाम शोरा के लिए भी दुआ करें कि मौला इसी तरह ये जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते रहें बुलंदर सलावात। बगैर रौनक कायल शजर अच्छा नहीं लगता बगैर रौनक के तायर शजर अच्छा नहीं लगता सवाली पर न खुलने वाला दर अच्छा नहीं तायर सवाली पर न खुलने वाला दर अच्छा नहीं लगता वो जिसके दम से कायम है अमारत दीन की उसको सकीना ही ना हो जिसमें वो घर क्या ही ना हो
سجود شاہ شہیدہ کا ذہن رکھتا ہوں، سجود شاہ شہیدہ کا ذہن رکھتا ہوں، اسی کو قبلہ گہے قبلہ تین لکھتا ہوں، اسی کو قبلہ گہے قبلہ تین لکھتا ہوں، بروئے آیائے والفجر دل کی تختی پر، بروئے راضیت مرضیت، بروئے آیائے والفجر دل کی تختی پر، میں کبریا کو رضی الحسین کبریا کو رضی سبحان اللہ تمام ہے نور کا تمام نور کا تمام ہے شام والوں سے شام چھین لیا، شام والوں سے شام چھین لیا، کیا تیرا انتقال ہے، جس کو ابیحا کہتے ہیں اس کی قائم کہنی، ہم گوش ہے لسان خدا، گوش ہے لسان خدا، کس قدر خوش کرا، تیرے اس کت کے بعد خلقت پر، تیرے اس کت کے بعد خلقت پر نطق کرنا ہر خون شبیر چھپ سکے کیوں کر، خون شبیر چھپ سکے کیوں کر، جا
जब जमानत का नाम क्या कहना और मजलिसों मातम आजादारी सब तुम्हारा निजाम तुम्हारा निजाम तेरे दर पर रुके नबी ओ इमाम ये तेरा हस्पे उम्मत की चारा जो कर हस्पे उम्मत की चारा जो कर आज ये बे लगा है नूर का क्या अच्छा बाबा से बुलंद सलावत तमाम है जैनब क्या बात आरजुए इमाम है जैनब ये तो अली का लहजा है बहुत खूबसूरत मुसलसल आपको दाद दी जा रही थी मैं देख रहा था इस पर नेट पर भी जो है ना लोग दुआएं दे रहे थे आपको उस बीबी का जिक्र किया जो सानिया जहरा है जो अली का लहजा है ज़हरा की सूरत है इमामत का नाज है नबुव्वत का मान है असीरे कूफा व शाम बिनते अली व बतूल है मिसाल अक्स शरीयत है हजरत ज़ैनब बाकी भाई मिसाल अक्स शरीयत है हजरत ज़ैनब चराग दरसे हिदायत है हजरत ज़ैनब कहीं पे सानिये जहरा कहीं पे मरियम है अजीब रुख से इबारत है कहीं पे सानिये जहरा कहीं पे मरियम है अजीब रुख से इबारत है हजरत ज़ैनब और खतीब सारे नयाबत में क्यों ना हो उनकी खतीब सारे नयाबत में क्यों ना हो उनकी कि आप दरसे खिताबत हैं हजरत ज़ैनब आप दरसे खिताबत हैं हजरत ज़ैनब कहीं पे सानिये कहीं पे मरियम हैं अजीब रुख से इबारत हैं हजरत ज़ैनब मैं मुंतमिस हूँ हमारे लाहौर की एक मारूफ शख्सियत और बड़ी मकबूल शख्सियत मोहतरम जनाब ताहिर नासिर अली साहब से आज के इस मजलिस मुसालमा के मेज़बान भी हैं मौला इन्हें सलामत रखे मेरे मौला इनकी जुमला हाजात को पूरा फरमाए क्योंकि आज शब जुमा है आज जो भी सुन रहा है वो भी मांग ले जो यहाँ बैठा है वो भी मांग ले अगर कोई बेरोज़गार है मेरे मौला उसको रोज़गार ही कोई परेशान हाल है कोई देख रहा है या हमारे साथ बैठा है उसकी परेशानी को दूर फरमा कोई बे औलाद है तो उसको औलाद नरीना आता है कोई बेघर है तो उसे बेहतरीन घर से पहले चादी से बकैले सैयद अबरार दिल को चैन मिला बकैले सैयद अबरार दिल को चैन मिला अली ओ फातिमा जहरा का नूर वालिदैन का एहसान मुझ पे है ताहिर जिनसे वर्षे में मुझको फौजे हुसैनियत के
अलमदार पर सलाम, फौजे हुसैनियत के अलमदार पर सलाम, कर्बो बला के हैदरे करार पर सलाम, कर्बो बला के हैदरे करार पर सलाम। और जहरा यहाँ हुसैन की मजलिस में आती है, जहरा यहाँ हुसैन की मजलिस में आती है, ऐ मेरे घर तेरे दरो दीवार जहरा यहाँ हुसैन की मजलिस में आती है, ऐ मेरे घर तेरे दरो दीवार पर सलाम। और रुमाले फातिमा में जगह जिसको मिल गई, इस चश्मे तर का उस दुरे शहवार पर सलाम।